ऐसा मन करता कि पापा को कहीं से बुला लो, लगता नहीं वो खत्म हो गए, लगता नहीं वो कहीं गए। ये रोती बिलकती बच्ची अपने पिता के जाने के गम में डूबी हुई है। 10 साल की इस बच्ची को जहां इस बचपन में खेलना कूदना पढ़ना लिखना चाहिए, वहां अब इस बच्ची पर पूरे परिवार का बोझ आ गया है। कोरोना काल ने कुछ ऐसी कहानियां पैदा कर दी हैं जिन्हें सुनकर और देखकर आपका कलेजा पसीज जाएगा। ऐसी ही एक कहानी शाजापुर में देखने को मिली, जहां कोरोना संक्रमण से पिता की मौत के बाद 10 साल की एक बेटी अपनी मां और बूढ़े दादा दादी का पेट पाल रही है। आर्थिक मदद न मिलने पर एक मासूम बच्ची सड़क पर कपड़े बेचकर अपनी मां और दादा दादी का सहारा बनी है। ऐसा मन करता कि पापा को कहीं से बुला लो, लगता नहीं है वो खत्म हो गए, लगता कि वो कहीं गए हैं। कितना कड़ी मेहनत करना पड़ रही है अपने परिवार को पालने के लिए, रोटी रोटी के लिए। जितने क्या कदम मेरी मम्मी करती उतना तो कोई नहीं कर सकता। मैंने जब तक तो पापा मेरे हॉस्पिटल में थे, जब तक वो कोरोना वाले हॉस्पिटल में थे, तब मम्मी रात में जंगल में भटकती रही थी। वो क्या कहते, जब तक मेरे पापा घर नहीं आए तब तक उन्हें भी गली की शक्ल नहीं देगी। तो बेटा कितनी दिक्कत आ रही था पापा ना होने पर? बहुत दिक्कत आई है। क्या करना पड़ता, कैसे रहना पड़ रहा? पता नहीं है। ये काम पूरा बंद हो गया, कैसे क्या चलते, कैसे खर्चा खर्चा चल रहा? अब बहुत बुरे हालात है हमारे भी। कभी कभी चीज मम्मी खिला देती है, कभी कभी नहीं खिलाती है। मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी मम्मी की मदद कर सकूँ, ताकि मम्मी मेरी चैन से सो सके, वो रात रात जगी रहती है। 10 साल की बच्ची का जज्बा देखकर अब उसकी मदद के लिए लोगों ने हाथ आगे बढ़ाए हैं। इस बच्ची का नाम माही है। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये बच्ची अपनी माँ और दादा दादी की पालनहार बन चुकी है। 10 साल की बच्ची माही कभी सिलाई मशीन पर मास्क तैयार करती है, तो कभी सड़क पर बैठकर कपड़े बेचती है। जिस दिन उसके कपड़े बिक जाते हैं, उस दिन परिवार के खाने का इंतजाम हो जाता है। वरना कई बार तो ऐसा भी हुआ है जब इस परिवार को खाना भी नसीब नहीं हुआ हो। दरअसल थाना सदर बाजार क्षेत्र के खिरनी बाग की रहने वाली माही के पिता प्रदीप सक्सेना की 30 अप्रैल को कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई थी। माही अपने पापा की सबसे लाडली बेटी थी, जो उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। कोरोना संक्रमण से पिता की मौत के बाद पड़ोसी और रिश्तेदारों ने इस परिवार से किनारा कर लिया। बच्ची का पिता प्रदीप घर में बनी सिलाई मशीन की दुकान पर शर्ट बनाता था। पिता की मौत के बाद जब घर में अनाज खत्म हो गया, तो बेटी ने सड़क पर शर्ट बेचना शुरू कर दिया। पिता जिस मशीन से कपड़े सिलते थे, उसे अब 10 साल की बेटी माही ने थाम लिया है। 10 साल की माही अब अपनी कोशिश से मास्क तैयार करती है, ताकि घर की रोजी रोटी चल सके। चल ही रहा भगवान के भरोसे, बस अब आप लोगों की मदद से है। इस बीच कितने खराब दिन काटे आपने? बहुत खराब दिन काटे। किसी से कह नहीं पाया, कोरोना की वजह से कोई आ जा भी नहीं दिया था। किससे क्या कहते, 1-1.5 महीना से काट दिया, कोई मदद के लिए नहीं आया। माही के पिता उसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन कोरोना वायरस ने उसके पिता की छोटी सी उम्र में ही उन्हें छीन लिया। फिलहाल बच्ची के आंसू भरी दास्ता सुनकर कुछ समाज सेवी उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। लेकिन 10 साल की माही जो कर रही है, वो वाकई एक मिसाल है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, वो इस उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।